हेलो एवरीवन, हाय बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब? अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू द चैनल ऑफ अन एकेडमी. इफ यू वांट टू क्रैक योर एग्जाम्स, अगर आप अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने एग्जाम्स में टॉप करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? ज्यादा कुछ नहीं करना है, जल्दी से अन एकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कीजिए एंड यू विल गेट फ्लैट 10% ऑफ After applying my code, that is NB01. So don't forget my code. My code is NB01. Welcome to my class, everyone. Dear learners, I am your science educator. I am Neha Bansal. I have done BSc, B.Ed, NTT, PTT. I have 6 years of experience and mentored more than 4,000 students. So today we are going to discuss our new chapter, that is motion and measurements of distances. Motion ki wo jo motion humne abhi piche bhi motion wala chapter padha hai ki motion kya hota hai, ek jagah se dusri jagah pe agar koi bhi object move karti hai, that is motion. And measurement, measurement matlab wo yahan se yahan tak wo object move kari hai to inke beech ka kya measure hai, measurement of distance, jo inke beech ka distance hai wo kitna hai. So that is motion and measurement. Okay, so motion is this kind of motion, ek jagah se dusri jagah pe jana by any means of transport. Okay, and this is measurement, a measurement by a day. Okay, so we are going to discuss all these in details. So content is, ab is chapter mein hum kaun kaun se points discuss karne wale hain, aaiye wo jaan lete hain. First one is introduction. Second is types of motion, periodic motion, the story of transport, distances and measurement of length. ये सारे topics आज हम इसमें cover करेंगे. So introduction, the movement of an object is called motion. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि motion क्या होता है, एक object का दूसरी object दूसरी जगह पे जाके move करना, जो movement होती है उस object में एक से दूसरी जगह पे, वो होता है motion. That is called as motion. So an object is said to be in motion when its position changes with time. और जब उसकी position time के साथ change होती है, तब उस object में क्या कहा जाता है कि उस object में motion हुआ है. Okay? Time के साथ change हो रही है. जैसे अभी हम यहाँ पे हैं और after 5 minutes, 5 minutes में हम कैसे भी travel करके किसी और जगह पे होते हैं, तो change with time उसकी उस ऑब्जेक्ट की जब वो पोजीशन चेंज हुई है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मोशन हुआ है उस ऑब्जेक्ट में. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब फिक्स है एक जगह पे, ठीक है, इट इज सेड टू बी एट रेस्ट. और उसको क्या कहेंगे हम कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है, क्योंकि वो अपनी जगह पे खड़ी हुई है. जैसे एक कार पार्क होती है पार्किंग में, सो दैट कार इज एट रेस्ट. ओके, दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, राइट. ट्री इज एट रेस्ट, ठीक है, ट्री अपनी जगह से नहीं हिलता है, वो एक ही जगह पे रहता है. अ मूविंग कार, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई है, इस कार में क्या हुआ है, मोशन हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह पे गई है, कुछ टाइम इंटरवल में वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंची है. आफ्टर 5 मिनट्स कार रीचेस हियर, सो दिस इज टाइम. विद चेंज ऑफ टाइम 5 मिनट के बाद वो कार जो है वो बी पॉइंट पे पहुंची है, और यहां से यहां तक का जो क्या हुआ, ये दिस इज डिस्टेंस, ये उसका क्या हुआ, इतना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है. दिस इज अ स्टेशनरी हाउस, दिस इज एट रेस्ट, हाउस इट इज एट रेस्ट. ट्री इज ऑल्सो अ स्टेशनरी बिकॉज ट्री कैन नॉट मूव बाय इटसेल्फ. ओके, टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन क्या होते हैं बेटा, मोशन जो है वो काफी तरह के होते हैं, अलग अलग टाइप के मोशन होते हैं अलग अलग तरह की ऑब्जेक्ट में, ठीक है. सो द मोशन ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सेम, हर ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो सेम नहीं होता है. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मोशन आर रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन एंड पीरियोडिक मोशन. दीज आर 4 टाइप्स ऑफ मोशन. ओके, अब हम इन चारों मोशन को डिटेल में डिस्कस करें. रेक्टिलिनियर मोशन सबसे फर्स्ट है. रेक्टिलिनियर मोशन ये क्या होता है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन. एक स्ट्रेट लाइन में जो मोशन हो रहा है उस मोशन को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन,
जो भी चीज एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, आप इन पिक्चर्स के थ्रू बहुत इजीली इस चीज को समझ सकते हो बच्चे कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है। इट टेक्स प्लेस इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। अच्छा ये भी है बेटा, ये एक फिक्स्ड डायरेक्शन, मतलब अगर ये नॉर्थ की तरफ या अगर ये इस तरफ ऐसे चल रहा है तो ये ऐसे ही चलेगा, ये नहीं है यहाँ पे इतना ऐसे चला फिर ये ऐसे हो गया फिर ये ऐसे हो गया फिर वापस से ऐसे आ गया, नहीं, एक ही डायरेक्शन में ये मोशन जो होता है और स्ट्रेट पाथ पे जो होता है उसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, राइट। एग्जाम्पल बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन, जैसे आप मूवीज में देखते हो गन से बुलेट फायर होती है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में जाती है, ठीक है, और एक ही डायरेक्शन में जाती है, नहीं ये ऐसे गई है फिर ऐसे चली जाएगी फिर इधर आ जाएगी फिर ऐसे जाएगी, नहीं, ठीक है। तो दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन। मोशन ऑफ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं इस जिफ में कि एक स्ट्रेट ट्रैक है उसके ऊपर ट्रेन सीधी 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 चल रही है, ठीक है। फॉलिंग स्टोन, जैसे ये इस पिक्चर में इस जिफ में स्टोन जो है वो नीचे गिर रहा है एक ही पोजीशन में एक ही स्ट्रेट पाथ पे वो नीचे गिरता जा रहा है। स्ट्राइकर ऑन द कैरम बोर्ड, आप जब कैरम खेलते होंगे अपनी फैमिलीज के साथ तो आप एक उस पे एक जो उसकी वो होती है स्ट्राइकर को आप एक गोटी के ऊपर निशाना लगाते हो ना, ठीक है ना, उसको क्या करते हो उसको टारगेट करते हो सिर्फ एक को, तो वो स्ट्रेट पाथ में जाता है और एक ही डायरेक्शन में वो स्ट्राइकर जाता है, दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है बेटा, कोई भी चीज जो गोल गोल घूमती है, जैसे इसमें आप बहुत अच्छे से देख सकते हो कि मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ एक सर्कुलर मोशन में ऑर्बिट करता है, ठीक है। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड अ सर्कुलर मोशन। जब एक सर्कुलर पाथ में एक राउंड पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करती है उस मोशन को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। एक्सक्यूज मी बच्चा, एग्जाम्पल द मूवमेंट ऑफ मून अराउंड द अर्थ, जैसे इस जिफ में भी आप देख सकते हो ये मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन है, आपको पता है गोल 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 घूमता है मून, ठीक है। मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, सन के चारों तरफ सर्कुलर मोशन में ही तो प्लैनेट्स घूमते हैं, ठीक है। मूवमेंट ऑफ ब्लेड्स ऑफ सीलिंग फैन, जो सीलिंग फैन है जब हम उसको आपका जो फैन है ठीक है जब आप उसको ऑन करोगे तो उसके जो ब्लेड्स हैं वो सर्कुलर मोशन में ही घूमते हैं ना ऐसे राउंड 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 राउंड, तो ये होता है सर्कुलर मोशन, ओके। एंड दीज आर सम एग्जाम्पल्स। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन क्या होता है बेटा, द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, वो मोशन जो अपने आप ही कुछ टाइम इंटरवल के बाद वापस आता है, जैसे पेंडुलम आप देख सकते हो पेंडुलम इधर जा रहा है अगर एक सेकेंड में तो वो एक सेकेंड में ही अपने आप वापस आएगा, फिर वो एक सेकेंड में इधर जाएगा फिर वो एक सेकेंड में अपने आप वापस आएगा, तो सेम इंटरवल ऑफ टाइम है, ठीक है, और खुद से हो रहा है, राइट। सो दैट इज पीरियोडिक मोशन। सो द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है ऐसे ऐसे, दैट इज पीरियोडिक मोशन, इधर से उधर जाती है और फिर अपने आप ही जाती है, राइट और एक ही इंटरवल 24 घंटे में पूरे वन डे लेती है, फिर वो नेक्स्ट डे फिर दोबारा से वही स्टार्ट करती है, तो 24 आवर्स एवरी 24 आवर्स में अर्थ अपनी एक एक्सिस पे एक ऑर्बिट अपनी एक्सिस पे कंप्लीट करती है, ठीक है। तो द मोशन ऑफ सेकेंड हैंड्स ऑफ अ वॉच, एक वॉच के सेकेंड हैंड का मोशन हर सेकेंड में वो बढ़ता है फिर ऐसे वापस आता है फिर दोबारा वो जाता है फिर दोबारा वापस आता है, ठीक है। मोशन ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम का आप मोशन देख ही सकते हो इधर जा रहा है उधर आ रहा है सेम इंटरवल ऑफ टाइम एंड एक ही पोजीशन में वो घूम रहा है। रोटेशनल मोशन क्या होता है बेटा, डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन ऑल दीज, ओके। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट टर्न्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। अर्थ की एक्सिस पे पीरियोडिक मोशन भी होता है एंड स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस पे रोटेशनल मोशन भी होता है, ठीक है। अपनी फिक्स्ड एक्सिस पे वो रोटेट कर रही है, कोई भी चीज अगर अपनी फिक्स्ड एक्सिस पे रोटेट करती है तो वो उसमें कौन सा मोशन होता है, रोटेशनल मोशन। जैसे टर्निंग ऑफ अ बाइसिकल व्हील, एक व्हील जो है वो अपने ही एक्सिस के ऊपर घूमता रहता है तो उसमें क्या होता है, रोटेट हो रहा है, ठीक है। मेरी गो राउंड, अगर आप कभी गए होंगे जो अम्यूजमेंट
स्पार्क होते हैं, तो वहां पे मेरी गो राउंड होता है, वो एक स्टिक एक एक्सिस पे होता है, उसी पे ही वो राउंड 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 घूमता रहता है. सो दैट इज रोटेशनल मोशन. तो ऑब्जेक्ट्स हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन, कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं बेटा, कुछ ऐसे भी मोशन किसी ऑब्जेक्ट में होते हैं जो एक या एक से ज्यादा होते हैं. ठीक है, तो सम ऑब्जेक्ट्स मे हैव मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे एक या एक से ज्यादा मोशन के टाइप्स उसमें होते हैं. जैसे द केस ऑफ अर्थ, जैसे अभी मैंने बताया अर्थ के केस में सर्कुलर मोशन भी हो रहा है क्योंकि वह सन के चारों तरफ राउंड राउंड सर्कुलर मोशन में घूम रही है. पीरियोडिक मोशन भी हो रहा है क्योंकि वो हर 24 घंटे बाद अपना एक डे पूरा कर रही है पीरियोडिकली. ठीक है, एंड रोटेशनल मोशन भी हो रहा है क्योंकि वो अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है. ठीक है, इन द केस ऑफ बाइसिकल रोटेशनल मोशन हुआ है उसमें क्योंकि बाइसिकल जो है वो एक ही उसमें अपनी एक्सिस पे घूमती रहती है. ठीक है, बाइसिकल का व्हील. रेक्टिलिनियर मोशन भी हुआ है क्योंकि बाइसिकल का व्हील जो है वो एक ही पोजिशन में स्ट्रेट पाथ में घूमता है, एक ही डायरेक्शन में घूमता है, ये नहीं कभी ऐसे घूम रहा है तो कभी ऐसे घूम रहा है. ठीक है, एक ही डायरेक्शन में वो घूमता है. इन द केस ऑफ अ बॉल, बॉल रोटेशनल मोशन होता है बॉल में. ठीक है, ये आप सब जानते हैं बॉल रोटेट करती है जब हम उसको फेंकते हैं. रेक्टिलिनियर मोशन भी होता है, अगर बॉल को हमने इस डायरेक्शन में फेंका तो इसी डायरेक्शन में जाएगी, नहीं ये नहीं कि हमने इधर फेंका और वो गई उधर है. ठीक है, द केस ऑफ सीविंग मशीन, जो सिलने जो कपड़े सिलने वाली जो टेलर्स के पास जो मशीन होती है उसमें रोटेशनल मोशन होता है, वो रोटेट हो रहा है उसका व्हील. ठीक है, और उसमें पीरियोडिक मोशन भी होता है, वो रोटेट होके ठीक है वो रोटेट भी हो रहा है और पीरियोडिकली मतलब एक ही जितने टाइम में वो ऐसे ऐसे जा रहा है नीचे तक आ रहा है उतने ही टाइम में फिर दोबारा भी जाएगा. ठीक है ना, तो उसमें पीरियोडिक मोशन भी हो रहा है. सीविंग मशीन में जो उसकी नीडल है वो पीरियोडिकली ऊपर नीचे अप डाउन होती है. द स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, अब बेटा ट्रांसपोर्ट की स्टोरी क्या है, आपको पता है पहले के टाइम में इतने ज्यादा व्हीकल्स इतने ज्यादा ये सब नहीं होता था, तो कैसे धीरे 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 चीजें चेंज हुई. टू कैरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट क्या होता है, लोगों को या सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट. राइट, इन एशियंट टाइम्स पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, या तो पैदल ही चलते थे बेटा या एनिमल्स का यूज करते थे, जैसे एलिफेंट हॉर्स बुल इन सब के ऊपर बैठ के ज्यादातर एलिफेंट और हॉर्सेस का यूज किया जाता था. एनिमल्स इस तरह के यूज किए जाते थे, उनके ऊपर बैठ के एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते थे. अगर किसी को पानी में से ट्रैवल करना है तो वो लोग बोट्स का भी यूज करते थे, बाय फुट और बाय एनिमल्स. ओके, फिर धीरे धीरे क्या हुआ बेटा, जो एंशियंट मैन थे उन्होंने इन्वेंट किया किसको, व्हील को. द इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट के उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया जैसे ही व्हील इन्वेंट हुआ. व्हील इन्वेंट होते ही बाइसिकल इन्वेंट हुई, बुलक कार्ट्स हॉर्स कार्ट्स ये सब इन्वेंट हुए, तो लोगों को और ज्यादा थोड़ा सा ईजी हो गया एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करने में. अभी इस टाइम सिर्फ व्हील इन्वेंट हुआ है बेटा, कोई भी कार या स्कूटर्स या ट्रेन्स या कुछ भी इन्वेंट अभी तक नहीं हुआ है. ठीक है, पहले वुडन व्हील्स थे, उसके बाद धीरे धीरे उसको मॉडिफाई करते चले गए. राइट, तो इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी के बिगनिंग में स्टीम इंजन इन्वेंट किया गया. ये स्टीम इंजन, जो स्टीम इंजन कौन से होते थे बेटा, जैसे जो ट्रेन्स थी ये वो किससे चलती थी, कोल से, उनकी जो स्टीमिंग होती थी उससे वो चलती थी. सो दैट आर स्टीम इंजन्स. इंट्रोड्यूस्ड अ सोर्स ऑफ पावर टू रन व्हीकल्स. राइट, और उसके ऊपर व्हीकल्स को रन किया जाता था. उसके बाद क्या हुआ, इंटरनल कंबशन इंजन का इन्वेंशन हुआ. उससे क्या हुआ, वो पेट्रोल और डीजल से चलने लग गए. ठीक है, इन द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, सेकेंड हाफ जो था 19th सेंचुरी का, वहां पे उस टाइम कंबशन इंजन का इन्वेंशन हुआ, जो पेट्रोल और डीजल से कार स्कूटर्स बाइक्स और बहुत सारी चीजें धीरे 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 करके बढ़ने लग गई. ठीक है, एंड गेव अस ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स कॉल्ड ऑटोमोबाइल्स, और उन्होंने हमें क्या दिया, ऑटोमोबाइल्स. लाइक ट्रेन भी फिर इन्हीं सब चीजों से चलने लग गई, स्टीम इंजन धीरे 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 धीरे
बंद होने लग गए, ठीक है, कार, स्कूटर्स, बाइक्स, एरोप्लेन्स, ठीक है, ये सब चीजें, फिर एरोप्लेन्स उस टाइम तक नहीं हुए थे, ठीक है। उसके बाद फिर एरोप्लेन्स का इन्वेंशन किया गया। एरोप्लेन्स वर डेवलप्ड एज मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द अर्ली 20th सेंचुरी, और अर्ली 20th सेंचुरी में एरोप्लेन्स का इन्वेंशन किया गया एज अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, राइट, लोगों को इधर से उधर ले जाना या गुड्स को इधर से उधर ले जाना, ओके। तो एरोप्लेन में व्हाइट पेट्रोल डलता है, ये हम सबको पता ही है, राइट। डिस्टेंसेस क्या होते हैं बच्चे? द लेंथ ऑफ द स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। कोई भी दो पॉइंट के बीच की लेंथ, जैसे दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट, इनके बीच जो लेंथ है उसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस। मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी आपको ये चीज बताई थी। सो इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स और प्लेसेस आर क्लोज बाय, द डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी स्मॉल। दिस इज ऑब्वियस बेटा, अगर उनके बीच का जो डिस्टेंस है दो पॉइंट्स का वो कम है, तो उनका क्या डिस्टेंस कम होएगा? उनका डिस्टेंस भी उतना ही कम होगा। और अगर किसी भी दो पॉइंट के बीच की जो जगह है वो थोड़ी ज्यादा है, तो उनका डिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। दिस इज वेरी सिंपल। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स और प्लेसेस आर फार ऑफ, बहुत दूर है, तो उनका डिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। पास है तो डिस्टेंस कम होगा, अगर वो दो पॉइंट्स एक दूसरे से बहुत दूर है तो इनका डिस्टेंस ज्यादा होगा। जैसे दिस हाउस, ये हाउस है और ये फैक्ट्री है, तो ये जो है वो 120 मीटर्स के डिस्टेंस में है, राइट। अगर इसका स्ट्रेट पाथ हम देखें, और ये पाथ जो जिस पाथ से ये बाइकर जो है वो जा रहा है उस फैक्ट्री तक पहुंचता है, दैट डिस्टेंस इज 200 मीटर, ओके। तो अगर हम डायरेक्ट अगर माउंटेन से जाएंगे, जो पॉसिबल कम होता है, हो भी नहीं पाता है, तो दिस इज लेस डिस्टेंस एंड दिस इज फार मोर डिस्टेंस, ओके। तो मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन ऑब्जेक्ट विद अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है बेटा? किसी भी ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना, कि ये इतना इसका डिस्टेंस है, वो मेजरमेंट होता है, उसको नापना, राइट। और मेजरमेंट हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, ठीक है। जैसे ये दिस इज फॉर मेजरिंग लिक्विड, हम लिक्विड को मेजर करते हैं कोई भी बीकर या फ्लास्क में, उसके ऊपर बने हुए होते हैं कितना मिलीलीटर है। दिस इज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, थर्मामीटर्स, ओके। दिस इज फॉर मेजरिंग टाइम, कितना टाइम हुआ है। दिस इज फॉर मेजरिंग डिस्टेंस और एनीथिंग डिस्टेंस, या आपका जैसे आपका नाप होता है या कुछ भी, ये मेजरिंग टेप होती है। दिस इज ऑल्सो फॉर मेजरिंग, दिस इज फॉर स्पीड और डिस्टेंस। स्पीडोमीटर होता है ना, जैसे ओडोमीटर एंड स्पीडोमीटर, तो वो भी होते हैं, ठीक है। सो यूनिट फॉर मेजरमेंट, राइट। नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। इन आवर डेली लाइफ We can use a variety of objects as units of measurement of length. हम अपनी daily life में ना बेटा length को measure करने के लिए बहुत सारे instruments use करते हैं, ठीक है। So we can measure the length of an object by using a hand span. आपने कभी अपने पापा मम्मा को देखा होगा ना, ऐसे हाथ से कोई भी चीज नापते हुए, ऐसे 1, फिर ऐसे 2, फिर ऐसे 3, ये इतना हो गया, ठीक है। ये normal सा होता है, हम भी करते हैं, ठीक है। फोर आर्म लेंथ, ऐसे फोर आर्म की लेंथ से पूरा 1, दूसरा फोर हार्म, फिर तीसरा, ऐसे अगर कोई कपड़ा नापना होता है या कुछ भी नापना होता है तो ये इतना हो गया, ठीक है। फुट स्टेप से आप भी कभी नापते होंगे ना अपने घर की टाइल्स या मार्बल्स जो लगे होते हैं, उसको ऐसे करके फुट स्टेप से 1 foot step, देन 2, then 3, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सा होता है, राइट। तो बट दीज लेंथ्स आर नॉट सेम फॉर ऑल द पर्सन, ऑब्वियसली बेटा हर पर्सन का हैंड का जो ये वाला पोर्शन है उसका डिस्टेंस हर एक पर्सन का सेम नहीं होता है, क्योंकि किसी का हाथ बड़ा होता है, किसी का हाथ छोटा होता है। आप छोटे बच्चे हो, आपका हाथ और भी छोटा होगा। आपके पापा और बड़े हैं तो उनका हाथ और भी बड़ा होगा, मम्मी का हाथ थोड़ा छोटा होगा, ठीक है। तो सबका सेम नहीं होता, इसी तरह से आर्म की लेंथ भी और फुट की लेंथ भी सबकी सेम नहीं होती है। जैसे आप देख सकते हो इसकी फुट की लेंथ तो इतनी सी है क्योंकि ये छोटी बेबी है, और मम्मा की फुट की लेंथ थोड़ी ज्यादा है और पापा की फुट की लेंथ और भी ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो है ये एक करेक्ट वे नहीं है किसी भी को मेजर करने का। नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट विच
as a fixed value which does not change from person to person or place to place is called a standard unit of measurement. Standard unit of measurement क्या कहलाता है बेटा? जो measurement एक fixed value होती है, चाहे वो कोई भी person उससे measure कर ले वो उतना ही आएगा, या किसी भी जगह पे measure कर लो वो उतना ही आएगा, that is called the standard unit of measurement. Okay, so meter is a standard unit of measurement, measuring length. क्या है measuring length की standard unit? Meter, that is m. ओके तो ये आप देख सकते हो, जैसे ये बच्चा है, इसकी लेंथ जो है वो सेंटीमीटर्स में मेजर की जा रही है. सो दिस आर, ये मेजरिंग स्केल है, ठीक है. यहाँ से आप देख सकते हो 10 सेंटीमीटर, 20, इसके बीच में 5 वो है, राइट. तो इस तरह से इसकी अराउंड ये इतनी आ रही है ना लेंथ, तो 120 सेंटीमीटर आ रही है. एसआई यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है बेटा? द साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव अडॉप्टेड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल सिस्टम चलता है यूनिट्स का, एक ही जैसी यूनिट्स पूरे वर्ल्ड में रहती हैं. द यूनिट्स ऑफ दिस सिस्टम इज कॉल्ड एसआई यूनिट्स. और इस सिस्टम को क्या कहा जाता है यूनिट्स के? एसआई यूनिट्स. सो द एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ इज मीटर. अभी मैंने आपको बताया एसआई यूनिट क्या है मेजरिंग लेंथ की? मीटर, दैट इज एम. द एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग मास इज किलोग्राम. किसी भी लेंथ को मेजर करना है तो हम मीटर्स में करेंगे, किसी के अभी वेट मेजर करना है तो वो हम मास, अगर हम वेट मेजर करना है तो हम किसको करेंगे? किलोग्राम, केजी, उसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है. मीटर का शॉर्ट फॉर्म एम. एंड द एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम इज सेकेंड्स. और अगर हम टाइम को मेजर करना है तो एसआई यूनिट क्या है? सेकेंड, या एस ई भी लिख सकते हैं और एस भी लिख सकते हैं, ठीक है. तो प्रीफिक्सेस यूज्ड विद एसआई यूनिट्स, जैसे हमने बताया मीटर, किलोग्राम, सेकेंड्स, इसके पीछे ना प्रीफिक्सेस भी यूज होते हैं. पहले हम ऐसा कुछ लगाते हैं तो प्रीफिक्स इज अ काइंड ऑफ वर्ड यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ एन एसआई यूनिट. एसआई यूनिट के नेम के पहले लगाया जाता है टू गेट द बिगर वैल्यू और द स्मॉलर वैल्यू ऑफ यूनिट. चाहे हम उस, वो हमें क्यों लगाया जाता है? ताकि हमें उस यूनिट की उससे बड़ी वैल्यू भी पता चल सके और उससे छोटी वैल्यू भी. लाइक किलो. अब किलो, किलोग्राम, केजी जो हमने अभी बताया, ठीक है. ग्राम जो है वो यूनिट है, किलोग्राम. सेंटीमीटर, सीएम. मिलीमीटर, एमएम, डबल एम. ओके, इसी तरह के प्रीफिक्सेस होते हैं, राइट. तो प्रीफिक्सेस यूज्ड विद एसआई यूनिट्स. एसआई यूनिट्स के साथ प्रीफिक्सेस कैसे यूज किए जाते हैं? किलो इज अ प्रीफिक्स व्हिच डिनोट्स 1000 और 1000, राइट. किलो जो है वो क्या डिनोट करता है? 1000 मींस 1 किलो, 1 किलो मीटर, लेट्स सी, किलोग्राम छोड़ देते हैं हम, किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर. तो 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर्स के इक्वल होता है. तो किलोमीटर जो है वो मीटर से क्या हुआ? बड़ा हुआ, राइट. सेंटी इज अ प्रीफिक्स व्हिच डिनोट्स 100 और 1/100. ओके, तो देन 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर क्या हुआ? मीटर से छोटा हुआ. तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स. एंड मिली इज अ प्रीफिक्स व्हिच डिनोट्स 1000 और 1/1000. ओके, सो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर. तो मिलीमीटर क्या हुआ? सेंटीमीटर से भी छोटा हुआ. तो 1000 मिलीमीटर को हम मिलाएंगे तो 1 मीटर बनता है. ओके, मेजरमेंट ऑफ लेंथ. लेंथ को कैसे मेजर करते हैं बेटा? लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स. आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट दिस पॉइंट ए, दिस पॉइंट बी, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे? लेंथ. ओके, एच. तो मीटर इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट. और मीटर जो है वो एक स्टैंडर्ड यूनिट है किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करने के लिए. सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये मैंने अभी बताया. एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं. 1 मीटर में 1000
millimeters. So a meter scale can measure lengths accurately up to 1/10 of a centimeter. Accurate, बिल्कुल. मीटर स्केल जो होता है ना, ठीक है, वो एक्यूरेट रीडिंग लेता है. जैसे आपने कभी अपने स्केल पे भी देखा होगा बेटा, 1 centimeter लिखा हो, उसके बीच में ना 1, 2, 4, फिर एक थोड़ी सी बिग लाइन होती है, 1, 2, 4, फिर एक बिग लाइन, यहाँ पे 2 आता है. तो ये एक्यूरेट 10 वो होते हैं नंबर्स. तो हम 1 point बिल्कुल एक्यूरेट, अगर कोई लाइन जो है वो यहाँ से यहाँ तक है तो हम 1.4 centimeter इसको हम लिख सकते हैं, है ना, 1 तो यहाँ पे है ही 1.4 centimeter. तो बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट आता है इसका, ना ही ऊपर ना ही नीचे, ठीक है. So the various types of devices which are commonly used for measuring length are rulers, measuring tape. Rulers आप सभी बच्चों के पास होता है, measuring tapes आप लोगों के घर में होती है. This is a measuring tape मम्मी पापा सब मम्मी के पास होती है ये घर में. इसमें भी सेम रूलर की तरह ही देखो बेटा, 1, 2, 3, 4 ऐसे पॉइंट्स बने हुए हैं, 1, 2, 3, 4, फिर एक बिग है, मतलब ये 5 हो जाता है बीच का, और 1, 2, 3, 4, 4, 4, 8 और 5 और 2, ठीक है, ये ऐसे करके 10 बीच में लाइंस होती है, ठीक है. तो ये 21, ये 22, राइट. तो एक्यूरेट इसमें लेंथ आती है. सो द डिवाइस टू बी यूज्ड फॉर मेजरिंग लेंथ डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड. ये डिपेंड करता है कि कौन सी ऑब्जेक्ट को हमने मेजर करना है. अगर कोई भी स्ट्रेट ऑब्जेक्ट है उसको मेजर करना है तो हम स्केल का भी यूज कर सकते हैं या मेजरिंग टेप का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है. अगर कोई ऑब्जेक्ट राउंड है देन वी हैव टू यूज अ मेजरिंग टेप, तब हम स्केल का यूज नहीं कर सकते क्योंकि स्केल हार्ड होता है, हम उसको फोल्ड नहीं कर सकते. तो अगर राउंड चीज है, जैसे टेलर आपका नाप लेता है, ठीक है, तो आपकी अगर बॉडी का आपके चेस्ट का नाप लेगा या आपके आर्म का नाप लेगा तो ये राउंड है, तो वो टेप जो है, जो मेजरिंग टेप होती है वो उससे लेता है क्योंकि वो मोल्ड हो जाती है. स्केल जो है वो हार्ड होता है, वो मोल्ड नहीं होता है, ठीक है. तो टू मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन, अब बेटा ये कर्व लाइन है ए टू बी जो आप ब्लू वाली देख रहे हो, तो अब हम इसको कैसे मेजर करेंगे. हम इसको मेजरिंग टेप से भी मेजर नहीं कर सकते क्योंकि उससे तो एक्यूरेसी आएगी ही नहीं, और स्केल से तो हम बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं. सो द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग अ थ्रेड एंड अ स्केल. एक थ्रेड और स्केल हमें चाहिए होता है. स्केल भी क्यों चाहिए बताऊंगी. पहले हमें एक थ्रेड चाहिए, ए पॉइंट पे हम उस थ्रेड को पकड़ेंगे, ठीक है, और उस लाइन से पूरा पूरा ऐसे जैसे जैसे वो लाइन जा रही है, फिर यहाँ पे हम हाथ रख लेंगे, उतना थ्रेड आया, फिर हम नीचे गए, फिर वहां पे पकड़ लिया उस थ्रेड को, पूरा हम ए टू बी पॉइंट तक वो थ्रेड को नाप लेंगे कि कितना, फिर हम उस पॉइंट को पकड़ लेंगे कि यहाँ से स्टार्ट हुआ था ये थ्रेड और यहाँ पे आके एंड हो रहा है. उस थ्रेड को फिर हम स्केल या मेजरिंग टेप पे रख के हम उसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं कि ये लेंथ जो है वो कितनी आई है, ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन फीचर्स के बारे में जान लेते हैं बेटा. लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, अपने घर में आप आराम से बैठ के ही सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं. कोविड सिचुएशन है, बाहर बिल्कुल नहीं जाना है, सॉरी. अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, एक बार सब्सक्रिप्शन लेने पे बेटा आप सारे ही सब्जेक्ट्स को यहाँ पे पढ़ सकते हो, जिस एजुकेटर से आप पढ़ना चाहो उससे पढ़ सकते हो, राइट. टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं आपको इंडिया के एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर. रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं. एग्जॉस्टिव कवरेज होता है सिलेबस का. मेंटरशिप एंड गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाती है. स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल कराया जाता है. प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज होती है, एंड बैच कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं, ओके. एंड दीज आर सम प्राइसिंग, 3, 6, 12, 15, 18, 24, 36, 48 months की प्राइसिंग्स हैं बेटा. एंड आफ्टर अप्लाइंग माय कोड इज NB01, डोंट फॉरगेट, NB01 इज माय कोड, यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, ओके. After applying my code, that is NB01, you have to apply my code. An Academy iconic subscription features क्या है बेटा? Plus subscription के तो सारे benefits होते ही हैं, but इसमें कुछ extra benefits होते हैं. जैसे आपको personal mentor provide किया जाता है, one teacher with one student. लाइव डाउट सॉल्विंग होते हैं, आप लाइव क्लास में ही टीचर से अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आप क्लासेस में करते हैं, अपने स्कूल्स में करते थे. वीकली रिपोर्ट्स आपकी रेडी की जाती है. पेरेंट्स के साथ कनेक्शंस होते हैं.
स्टडी प्लानर आपको प्रोवाइड किया जाता है और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के जितने भी बेनिफिट्स होते हैं वो सभी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट। एंड इसका सब्सक्रिप्शन प्राइसिंग देख लेते हैं बेटा, 3, 6, 12, 24, 36 and 48, these are all the subscription pricings, and after applying my code that is NB01 you will get instant 10% discount, okay, and NB01 is my code, very simple code, so don't forget NB01 is my code. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना नहीं भूलें, लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ, एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ माय वीडियोस, ओके, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड 1 सितंबर के ऑनवर्ड्स अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे मेरी स्पेशल क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, गो टू गूगल प्ले स्टोर, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, अपने नेम ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर से उसको लॉग इन करो और मेरा कोड अप्लाई करके NB01 सारे फीचर्स को आप अनलॉक कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट विद अनअकैडमी, ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय।